हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हमको क्या दे रखा है। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 19 1/4 18 1/2 17 3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, आपको क्या बताना है, इस जो सीक्वेंस दे रखा है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी वो बताना है। देखिए, यदि इस सिक्वेंस को हम यहाँ पर लिखते हैं 20, उसके बाद ये है 19 1/4 18 1/2 17 3/4 है ना। ये तो अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे, डी निकालोगे, तो ये क्या हो जाता है, सबका कॉमन डिफरेंस में सेम आएगा, तो ये क्या हो जाता है, एक फॉर्म हो जाता है आपका एपी का। तो देखो, यदि एपी का फॉर्म है तो हम इजीली फिर निकाल सकते हैं। तो देखो, एपी में क्या होता है, हमको फर्स्ट टर्म मालूम होती है, पहली टर्म यहाँ पे जैसे क्या हो गए 20 हो गए, उसके बाद देखते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हम कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन करके, यानी कि 19 1/4 -20 करके। तो देखो, ऐसे तो निकालेंगे ना, हम कैसे करेंगे, पहले 4 × 19 4 = 76 और 177/4 -20, नीचे कुछ नहीं, हम 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर यदि करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 77 4 × 8 / 4, यानी कि जो d की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ रही है, -3/4 है ना, ये सबकी सेम आएगी आपकी। ठीक है, तो a हमको मिल गया, d हमको मिल गया, तो हम जो हमारी जो टर्म होती है ap की an है ना, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी हम निकाल सकते हैं इजीली। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। a जैसे हमको 20 दे रखा है, n तो हमको दे नहीं रखा, d हमको कितना दे रखा है, -3/4। ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए, अब इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में हमको, है ना, इसमें आपको बतानी थी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम कैसे बताएंगे, देखिए पहली नेगेटिव टर्म यानी कि जीरो से हमारी छोटी, यानी कि हमारी जो एन की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, जीरो से हमारी छोटी रहेगी, है ना। फोर नेगेटिव टर्म, नेगेटिव के लिए क्या रहेगा, एन शुड बी, ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू यदि यहाँ पे पुट करते हैं तो यानी कि 20 + n - 1, ये -3/4, ये हमारा लेस देन जीरो हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, -3 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, -3n, और -3 का हो जाए, ये कितना हो जाएगा, 3 × 3, और नीचे क्या हो जाएगा, सबके नीचे 4, लेस देन जीरो। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 का तो 80 हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये -3n, ये +3, 4 का इधर जाके 0 हो जाएगा। तो देखो, हमने क्या किया, 80 + 3 कितना हो गया, 83, -3n उधर जाके किस में हो गया, प्लस में। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा हमारा, 83 अबोन यहाँ से 3 डिवाइड में आ गया, तो n की जो वैल्यू रहेगी, सॉरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 27.66, जब आप इससे डिवाइड करोगे 3 से 83 में, तो ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 27.66। अब इसके जस्ट हमारा जो नंबर होता है इंटीजर मेन हमारा फॉर्म में विदाउट डेसिमल में, वो कौन सा होता है, इसके आगे 28 होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 28, यानी कि इस ए सिक्वेंस की 28 टर्म जो होगी हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस 28th टर्म ऑफ गिवन सिक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।